morning, dear students. I will teach you today use of should or must. इन दोनों का अर्थ होता है चाहिए. Use of should. Should का प्रयोग उन वाक्यों में किया जाता है जिसके अंत में चाहिए, करना चाहिए, करूं, ए आदि शब्द आते हैं. उसी में हम should का प्रयोग करते हैं. जैसे हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, अर्थात सत्य बोलना चाहिए. बी ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ. इसी प्रकार हमें अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए. वी शुड सर्व आवर पेरेंट्स. इसी प्रकार रूल नंबर टू है मस्ट का प्रयोग. इसका भी अर्थ होता है चाहिए, लेकिन मस्ट का प्रयोग कब किया जाता है? जब किसी वाक्य में बाध्यता प्रकट की जाती है या कोई जरूरी या आवश्यक जैसे आज वर्ड आते हैं तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है. जैसे उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए, तो इस वाक्य में अवश्य शब्द है जो हमारा बाध्यता प्रकट कर रहा है कि हमें वहाँ अवश्य जाना चाहिए. तो इसका ट्रांसलेट होगा ही मस्ट गो देयर, उसे वहाँ अवश्य जाना चाहिए. सेकंड एग्जांपल है तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए. तो इसमें भी बाध्यता प्रकट की गई है अवश्य. अवश्य हो या जरूर हो या किसी वाक्य में जब बाध्यता प्रकट करते हैं तो हम वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करते हैं. ऐसे तुम्हें पढ़ाई अवश्य करनी चाहिए, तो यू मस्ट स्टडी. थैंक यू. मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई विल टीच यू टूडे.